हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे अपने आर ओ एग्ज़ाम की। ठीक है, काफ़ी टाइम से ये बच्चों के दिमाग में ये जो भी कोतूहल चल रहा था कि पेपर कब होना है क्या नहीं, सारी चीज़ें। ठीक है, अब तो जैसा कि पता लग गया है कि APS की डेट राउंड अबाउट कह रहे हैं कि जनवरी के अराउंड अराउंड होगा, तो लेके चल सकते हैं कि आर ओ का पेपर जो है आपका फेब्रवरी के अराउंड, वही 4 फेब्रवरी जो डेट है, वहाँ तक हो सकता है। बाकी भगवान करें डिले हो जाए, मैं तो यही चाहूँगी। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत हौच पौच की स्थिति बनी हुई है, बहुत बच्चों का जो है अभी प्रिपरेशन बिल्कुल एकदम डिलेमा में चल रहा है, बिकॉज़ बहुत बच्चे वर्किंग हैं। ठीक है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है उनको, और आधे से ज़्यादा बच्चे तो UPSC भी सोच रहे थे 2024 को बिल्कुल एकदम टारगेटेड फोकस में लेके चलना, बट क्योंकि अब आर ओ आ रहा है बीच में, तो जो भी बच्चे यूपी के होंगे वो अब आर ओ को तो फोकस करेंगे ही करेंगे। तो मोटा मोटा ये हिसाब किताब है कि UPPCS भी उसी के आसपास होने वाला है। तो हमें इन 3 महीने में ऐसा क्या करना है कि हमारा आर ओ का प्रिलिम्स ना निकले, बिकॉज आर ओ एक ऐसी पोस्ट है ना, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि क्यों उस पोस्ट की इतनी मारामारी है, इतनी डिमांड है, बिकॉज वो है ही इतनी अच्छी पोस्ट। सच बता रही हूँ, मैं एक अधिकारी लेवल की जो सबसे बढ़िया पोस्ट मानी जाती है ना, वो लिटरली आर ओ है। SDM वगैरह, DYSP वगैरह में तो भागा दौड़ी है, समीक्षा अधिकारी में उतनी भागा दौड़ी भी नहीं है, मैं लिटरली बता रही हूँ। और ठाट से आपको यहीं लखनऊ के सचिवालय में बैठना है, कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं है। बस थोड़ी सी मेहनत जो ये 3 महीने में आप कर लोगे ना, एकदम रगड़ के बिल्कुल, ठीक है, आजू बाजू सब चीज़ें साइड करके, ठीक है, अपनी ज़िंदगी की सारी ट्रबल्स, सारी परेशानियाँ, इवन कुछ भी हो, कुछ भी, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे घर की कोई प्रॉब्लम है, कोई रिश्तेदार ताने दे रहे हैं, या रिलेशनशिप में कोई भी आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर है, मैं उस सब चीज़ों में अंदर नहीं जाऊंगी, मैं इन सब चीज़ों से दूर रही। तो आई जस्ट होप एंड एक्सपेक्ट एंड विल प्रे फॉर ऑल ऑफ यू कि इन सब चीज़ों से दूर ही रहें अपने पढ़ाई के टाइम पर, प्लीज़ साइड में रख दीजिए। ठीक है, बहुत कम होता है कि कनिष्क कटारिया जी जैसा केस निकल के आया कि जिनकी गर्लफ्रेंड ने बहुत सपोर्ट किया था, ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। वो मैं अलग एक, मुझे कहा था, 2-3 मेल्स मुझे ये भी आई थी, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से जूझ रहे हैं अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेके। ठीक है, तो मुझे उन्होंने बोला था कि मैम थोड़ा मोटिवेटिंग वीडियो इस पर बना दीजिएगा, बिकॉज हम समझ में नहीं आ रहे हैं कि आप पढ़ें क्या नहीं, ठीक है, क्योंकि क्या करें आगे लाइफ में, उनका ये था। तो जो भी इस चीज़ में है भैया, प्लीज़ अपने आप को बाहर निकाल लो। ठीक है, अरिजीत सिंह के गाने सुनने की बजाय भजन सुनो। ठीक है, 3 महीने फोकस्ड एकदम पढ़ाई कर लोगे तो नैया पार हो जाएगी, मैं सही बता रही हूँ आपको, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं भटकना पड़ेगा नहीं, जैसे वो कहते नहीं ठुकरा के मेरा प्यार वाला हिसाब किताब होगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ अपनी वैल्यू को समझिए, और इन 3 महीने में आपको लिटरली एकदम जुट के पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो मैं बताने जा रही हूँ। 3 महीने बस आप मेन टू मेन फोकस अगर आप रख लेंगे तो आपका सारा कुछ बढ़िया से ये पेपर प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 पॉइंट, करंट अफेयर्स आपको पक्का ही करने हैं, पक्का करने हैं। मान के चलिए अगर आप फ्रेशर भी हैं, अगर आप बहुत बड़े महारथी हैं जिन्होंने बहुत बार प्रीलिम्स और मेंस लिख के बैठे हैं, सारी चीज़ें, जो भी महारथी हैं, मैंने भी, ये तीसरा मेरा मेंस था जो मैंने लिखा है, तो भी मैं करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ने वाली हूँ। करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ना है जैसे आप एकदम फ्रेशर हैं, एकदम बच्चों जैसे। कभी भी आप पढ़ने बैठिए ना, एकदम दिमाग ये लेके चलिए कि मैं एकदम लर्नर हूँ, लर्नर स्टेज पे हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, ऐसा आप दिमाग लेके चलेंगे तो चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आएंगी, दिमाग में घुसेंगी। करंट अफेयर्स आपको छोड़ना नहीं है, लिटरली बता रही हूँ, करंट अफेयर्स छोड़ना नहीं है। उसको ना छोड़ने का तरीका क्या है, न्यूज़पेपर आप डेली बेसिस पर पढ़ना शुरू कर दीजिए, आधे घंटे से 45 मिनट दीजिए बस। ज़्यादा टाइम एडिटोरियल पर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू राइट फॉर UPSC एग्जाम। आर ओ एग्जाम में एडिटोरियल से मतलब नहीं आता है, लेना देना कुछ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक्स होंगे वो तो आपको वैसे ही पता लग जाएंगे, क्योंकि घर में पेरेंट्स रहते ही हैं, वो न्यूज़ चला ही लेते हैं। अगर आप अकेले रह के पढ़ रहे हैं तो भी न्यूज़ हर कोई देख ही लेता है, ठीक है, फोन में चला ही लेता है, तो करंट इश्यूज़, बर्निंग इश्यूज़ पता लग जाते हैं। तो हमें बस न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, चाहे पॉलिटिक्स को लेकर हो, चाहे इकोनॉमिक्स को लेकर हो, ठीक है, चाहे आपके स्पोर्ट्स को लेकर हो, चाहे जो भी लेटेस्ट इन जनरल चीज़ें होंगी वो आप कर लोगे। ठीक है, वो इन जनरल चीज़ें आप आराम से कर लोगे तो वो आपका अपना सब कुछ हो जाएगा। करंट अफेयर्स करना कहाँ से मैं बता दूँ फिर से आपको, सिर्फ और सिर्फ अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको घटनासार से कर लेना है, ठीक है, या क्रॉनिकल की मैगजीन ले लीजिए। क्रॉनिकल की मैगजीन आप लोगों के लिए एकदम रामबाण है, ठीक है, भगवान स्वरूप आपको वो मिली हुई है, प्लीज़ उसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं आती, पहले आती थी, अब हम लोगों का घाटा हो गया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, मेरा भी इंग्लिश मीडियम ही है। तो क्रॉनिकल मैगजीन हर हालत में कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़नी है, अप्रैल 2023 से उठा लीजिए, ठीक है। वैसे तो हमेशा करंट ईयर एक फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस आता है, तो अप्रैल 2022 से हमने पढ़ा था फॉर PCS 2023, लेकिन अब पेपर फरवरी में होने जा रहा है तो अप्रैल 2023 से पढ़ेंगे। बट हाँ, टाइम मिले तो प्लीज़ अप्रैल 2022 से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि उनका कुछ भरोसा नहीं है, क्वेश्चन पेपर वो उसी हिसाब से सेट करते हैं कि एक प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वो ले लेते हैं, लेकिन पहले फोकस में रखेंगे करंट अफेयर्स अप्रैल 2023 से, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी उसी हिसाब से मंथली घटनाचक्र की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ले लीजिए अप्रैल 2023 से लगा लीजिए। नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, टेस्ट बुक का ले लीजिए,
जीके टुडे का ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी पीडीएफ होती है। जीके टुडे की तो पेड होती है बट टेक्स्ट बुक की फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप ले सकते हैं, ठीक है, या जागरण जोश की आप ले सकते हैं, ठीक है। आपको मंथली आपको उसमें मिल जाएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी, राइट। तो आप उतना वहाँ पे, ठीक है, तो जीके टुडे वाली तो पेड वाली है बट हाँ टेक्स्ट बुक का आप देख सकते हैं, जागरण जोश का भी ले सकते हैं, स्टडी LY करके है उनका भी देख सकते हैं, उनकी भी पीडीएफ बहुत अच्छी होती है। नहीं तो यूट्यूब पे चैनल्स हैं मंथली करंट अफेयर्स, आप उनसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। मंथली करना ही करना है, April 2023 से आपको लगा लेना है, ठीक है, अच्छे से लगा लेना है करंट अफेयर्स। और करंट आई दृष्टि मैगजीन मैं आपको दिखा देती हूँ, करंट आई दृष्टि मैगजीन आप लोगों ने देखी होगी, आई विल शो। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ये आ गई है नई बुक, आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, August 2022 से लेकर 30th August 2023 के लिए ये आ गई है, प्लीज़ इसको ले आइए। नहीं आपको मिल रही है तो मैंने लिंक दे दिया है अमेज़न का, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो ले लीजिए। और आपको पता है कि घटना चक्र लगाना ही लगाना है इन एनी केस, ठीक है। नंबर वन पॉइंट हो गया करंट अफेयर्स जो आपको कवर करना है मंथली April 2023 से, और फिर उसके बाद ये हिंदी मीडियम वाले घटनासार और क्रॉनिकल से पढ़ेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आई दृष्टि घटना चक्र, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आई दृष्टि ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास दो बढ़िया है ही हैं, घटनासार और क्रॉनिकल, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। इंग्लिश मीडियम वालों के पास कोई हिसाब किताब नहीं है तो भैया ये ज़रूर आपको लेनी है, ये वाली लेनी है। और PCS प्री जिन्होंने दिया होगा, पुरानी आई दृष्टि भी पड़ी होगी, ठीक है, ये वाली, इसमें टॉपिक्स बहुत अच्छे से दिए हुए थे, रामसर साइट्स वगैरह, तो ये भी मैं करूँगी, तो आप भी करिए, ये दोनों बुक्स करिए, ठीक है। करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो गया, ओके, वन थिंग डन। यूपी करंट अफेयर्स कहाँ से करना है, यूपी करंट अफेयर्स आपको दो ही चीज़ हो सकती है, या तो मंथली घटना चक्र की मैगजीन ले लीजिए, उसमें कवर होता है, ये ईयरली आई दृष्टि में भी होता है कवर, ऐसा नहीं है, बट यूपी कोर फैक्ट्स आप ले लीजिए। यूपी कोर फैक्ट्स की मैगजीन जो थी PCS प्रीलिम्स के टाइम पे, जो पर्पल कलर वाली आई थी, मेरी रखी है, यहाँ रखी है, पर्पल कलर वाली आई थी, ठीक है, ये वाली, ये ले लीजिए, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, अभी न्यू नहीं आई है बट तथ्यसार न्यू आ गई है हिंदी मीडियम वालों के लिए, वो आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद दृष्टि IAS वालों की यूपी स्टेट अफेयर्स पर मंथ फ्री PDF आती है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो घटना चक्र की मंथली मैगजीन 50 रुपये की आती है, वो ले लीजिए, April 2023 से वो लगाना है, ठीक है। नहीं तो टेक्स्ट बुक पे भी यूपी स्टेट स्पेसिफिक PDF आती है, आप वो फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ने के लिए आपके पास अथाह सोर्स है, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, दोनों का लखनऊ एडिशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उससे भी आप पढ़ लेंगे तो भी आपका मोटा मोटा करंट अफेयर्स यूपी का तो कम से कम हो जाता है, इवन नेशनल भी हो जाता है। मैं पढ़ती हूँ तो मैं वही सजेस्ट कर रही हूँ, कोई यहाँ पे ब्लफिंग नहीं है, ठीक है, पेपर क्लियर किया हुआ है तो मुझे पता है, राइट, ठीक है। ये चीज़ हो गई, दोनों आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स एंड यूपी स्पेशल हो गया। अब चलते हैं आपका यूपी कोर फैक्ट्स में, यूपी स्टैटिक भी हो जाएगा और राकेश सारस्वत जी की बुक से आप कर सकते हैं, नहीं तो दृष्टि की है, दिशा की है, मैंने सब बता दिया है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, डिटेल्ड रिव्यू दिया है मैंने राकेश सारस्वत जी की बुक का और दिशा पब्लिकेशन की बुक का, ठीक है। यूपी स्पेशल की जो बुक है देख सकते हैं आप, प्लीज़ जाके देखिएगा, 2-3 महीने पहले डाली थी, मेन से पहले जिस टाइम पे था, ठीक है, सारी चीज़ें कि कब यूपी स्पेशल पढ़ना है वो आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि इंपॉर्टेंट चीज़ है GS, GS कहाँ से करनी है। जितना ध्यान आप दूसरों की बातों पे कम देंगे, अपने आप को पढ़ने पे ध्यान ज़्यादा देंगे, उतना आप सक्सेसफुल ज़्यादा होंगे। जितना आप दूसरों के इसमें उलझेंगे कि भैया अच्छा वो ये पढ़ ले रहा है, मेरे को ये करना है, हाय मेरा ये नहीं हुआ, हाय तौबा में आपकी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं पढ़ना है, उसने जो मर्जी पढ़ा हो पढ़ लिया हो, वो जितना बड़ा महारथी हो, हम भी किसी से कम नहीं है, ये बात समझ के हमें करना है। हम सिर्फ दो बुक पढ़ेंगे, लूसेंट और घटना चक्र। अगर आपको मेरी बात का एतबार नहीं है, आप जाके किसी भी टॉपर्स का इंटरव्यू देख सकते हैं, वो आपको अच्छे से बता देंगे। इस टाइम पे कोई अगर आपको कहे कि 3 महीने में लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम पढ़ लो भैया, या माजिद हुसैन उठा लो, या GC लियोंग उठा लो ज्योग्राफी के लिए, या महेश बर्णवाल उठा लो, तो मैं सही बता रही हूँ, वो आपका हितैषी नहीं, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि आप खुद सोच लीजिए, आप ह्यूमन ब्रेन है, आप AI ड्रिवन रोबोट नहीं है कि भैया आप 3 महीने में सब कुछ चाट जाओगे एक नंबर, ठीक है, ये भी ग्रंथ पढ़ लोगे, वो भी ग्रंथ पढ़ लोगे, सब कुछ पढ़ लोगे, नहीं। जिस दिन आप 12-13 घंटे बैठोगे ना पढ़ने, आपको समझ में आ जाएगा कि वो 12-13 घंटे भी आपको कम लगेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। लूसेंट अपने आप में अथाह सागर है, अगर आपने वो कर लिया और घट्टा चक्र कर लिया, मैं लिटरली बता रही हूँ, प्रीलिम्स आपका ना सिर्फ RO बल्कि PCS प्रीलिम्स भी नहीं रुकेगा। PCS प्रीलिम्स भी सेम होता है RO का पैटर्न, बल्कि RO डिफिकल्ट आता है PCS से, हमेशा 19 नहीं 20 ही रहता है, ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। और PCS प्रीलिम्स में बस आपको थोड़ा सा ये करना होगा, क्योंकि 2024 साथ ही होगा RO के, एक महीने के आग बीच में, थोड़ा सा ये करना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत से पढ़ने होंगे, सिर्फ कुछ, ज्यादा वो भी नहीं बता रही हूं, कुछ जो कुछ पढ़ने होंगे, जो मैंने पढ़ा था, मैंने क्लियर किया था, मैं वो बता दूंगी आपको, ठीक है, वो एक अलग वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि बहुत ये आ रहे हैं कन्फ्यूजन मैम 2024 को RO के प्रीलिम्स के साथ कैसे लेके चलें, PCS 2024 को समझ में नहीं आ रहा क्या क्या नहीं। पेड मेंटोरशिप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, मैंने डेट उसकी एक्सटेंड की है, बिकॉज मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी सबकी, ऑलरेडी 100 का आंकड़ा पार हो चुका है बच्चों का उसमें, ठीक है। 99 रुपीज़ फीस है। AIIMSCivilServices@gmail.com पे आप मुझे मेल करके जुड़ सकते हैं, ठीक है।
उसमें मैं ये लिटरली बता रही हूँ कि प्रॉपर गाइडेंस वहाँ पे मैं दे रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से दे रही हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता। कोई कंपल्शन नहीं है, आपको जुड़ना है आप जुड़िए, नहीं जुड़ना है तो एम सिविल सर्विसेज टेलीग्राम फ्री चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली टारगेट दे रही हूँ, बट डिस्कशन मेंटोरशिप क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, डेली बेसिस पे मैं मॉनिटर करती हूँ। 7 से 7:30 आधा घंटा का लाइव सेशन रहता है, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह जो भी डाउट होते हैं बच्चों के, इवन सीसैट का भी सेशन मैंने कंडक्ट करवाया था, ठीक है, यूपीएससी के भी डाउट्स हम लोग क्लियर करते हैं, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एम सिविल सर्विसेज 28@gmail.com पे आप मुझे भेजोगे, ठीक है। 99 रुपीज़ फीस है हार्डली, तो यू कैन ज्वाइन, बट मैं उसकी जल्दी ही क्लोज कर दूंगी। मेरे को बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी एक्सटेंड करने को, क्योंकि उन्हें पता नहीं था, इसलिए मैंने एक्सटेंड किया हुआ है। मुझे भीड़ नहीं बटोनी है, मैं क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस रहती हूँ, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी, ठीक है। ये हो गई बात। वहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज़ अपना कंडक्ट करवा रही हूँ, ठीक है। संडे संडे टेस्ट करवाती हूँ, यही आपके जो मेन मेन आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनके टेस्ट ही चलते हैं, ठीक है। कोई अपना मैं नहीं टेस्ट बनाने बैठी, क्योंकि मेरा भी पेपर है, ठीक है, बट जो मेन मेन इंस्टीट्यूशंस के हैं वो हम पेपर, हम लोग एक कॉम्पिटेटिव एन्वायरमेंट बना के सारे बच्चे देते हैं, और उसमें एनालिसिस होता है बढ़िया से, क्या सारी चीज़ें, आपको खुद अपनी शॉर्टकमिंग्स पता लग जाएंगी, राइट। ये हो गई बात। अब जीएस में मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ लूसेंट और घटना चक्र करिए। लूसेंट अगर नहीं समझ में आती है पहली बारी में, तो उस आपको कोई किताब नहीं समझ में आएगी, मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि लूसेंट सबसे आसान भाषा वाली बुक है। फिर भी नहीं समझ में आती है तो घटना चक्र उठाइए, सबसे पहले घटना चक्र के क्वेश्चन उठाइए, मैं सही बता रही हूँ। घटना चक्र पढ़नी भी कैसे, आई विल शो इट टू यू, ठीक है। ये जैसे घटना चक्र है, इंडियन हिस्ट्री की बुक है, मैंने सारी घटना चक्र की बुक और इंपॉर्टेंट बुक्स जो भी आर ओ के लिए आपको सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, वो मैंने सब इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अमेजन का लिंक दे दिया, आप प्लीज़ ऑर्डर कर लीजिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये आपके पास ये आपकी बुक है, ठीक है, ये जैसे मैंने मेडिवल इंडिया पढ़ा है, मैं यहीं पे शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ, ठीक है। नोट्स बनाने में हम नहीं बजेंगे, ठीक है ना। ये डाउट आ रहा था कि मैम नोट्स बनाएं क्या करें क्या नहीं, उसके लिए मैं बता दूंगी कि नोट्स कैसे बनाना है क्या नहीं। अब नोट्स बनाने के वैसे चक्कर में पड़िए मत, बुक्स में ही बनाइए। देखिए मैं कैसे हाईलाइट कर लेती हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ऐसे ही हाईलाइट कर लेती हूँ, अंडरलाइन कर लेती हूँ सारी चीज़ें। तो आप घटना चक्र को पढ़ लीजिए, घटना चक्र से क्वेश्चन लगा लीजिए, उसके बाद लूसेंट कर लीजिए, ठीक है। मैंने टाइम टेबल दिया ही है, टाइम टेबल अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, कल परसों वाली वीडियो आप देखिए, जो इससे वीडियो से पिछली वीडियो है, परसों वाली वीडियो में मैंने बताया नवंबर से कैसे तैयारी करनी है, और मैंने सबसे पहला टॉपिक ही साइंस उठाया, क्योंकि वो इजी है, वो सबसे पहले कंप्लीट कर लोगे तो एक मोटिवेशन आता है कि हाँ मेरा एक टॉपिक अच्छे से हो गया, एक सब्जेक्ट मेरा अच्छे से हो गया। सारा खेल इस दिमाग का है, साइकोलॉजी का है। अगर आपके दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया कि आप हार जाओगे, तो आप हारोगे ही हारोगे, चाहे आप कितना पढ़ के जाओ, लेकिन अगर आपके दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने विजेता ही बनना है, आप विजेता हो, आप जीत के ही रहोगे, ठीक है, क्योंकि आप उस हिसाब से पढ़ोगे। ये मैं बता रही हूँ, सारा खेल यहाँ का है, तो अपने दिमाग को ट्रेन ऐसा करना है। मैंने इसीलिए साइंस टॉपिक पहले करवाया कि वो जल्दी खत्म होगा और वो इजी है, आपके दिमाग को ये लगेगा कि हाँ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है, तो आगे भी बहुत अच्छे से चलती रहेगी, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में के फेज में ही मोनोटोनस हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, आप नहीं पढ़ पाओगे, मैं सही बता रही हूँ, नहीं पढ़ पाओगे, कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है, इसलिए मैंने साइंस उठाया। तो प्लीज़ कल वाली परसों वाली जो वीडियो थी स्ट्रेटजी वाली, नवंबर मंथ से 90 दिन में कैसे क्या पढ़ना है, पूरा टाइम टेबल बुकलिस्ट स्ट्रेटजी सब दिया है, कहीं आपको देखने की इधर उधर जरूरत नहीं है, प्लीज़ उसको देख लेना, मैं सही बता रही हूँ। इतने आसान तरीके से कोई समझाएगा नहीं, मैंने देखी है वीडियोज़, ठीक है, नहीं समझाएगा कोई, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अपनापन लगता है आप लोगों के साथ, मुझे लगता है आप सब भी मेरे जैसे ही तो हो, ठीक है, तो मैं उस चीज़ को फील करके करती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, आपका जीएस हो गई, घटना चक्र और लूसेंट, बस और कुछ नहीं देखना, मैं सही बता रही हूँ, कुछ मत देखिए, मैं बता रही हूँ, आप बाद में आके मतलब लिटरली आप थैंक यू बोलोगे, ठीक है। बच्चे वहाँ पे जिनके अभी टेस्ट में आए हैं मार्क्स ना, वो लिटरली उस चीज़ के लिए मतलब थैंक यू बोल रहे हैं, कि मतलब वो मुझे ये लगता है कि उनकी अपनी मेहनत है, बट स्टिल दे आर शोइंग दिस मच ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड ना, उनको लग रहा है कि हाँ फ़ायदा है मेंटोरशिप ग्रुप में, मैम जैसा पढ़ा दी हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर सॉल्ट पेपर्स, ठीक है। सैम्पल पेपर्स का भी लिंक मैंने दिया, एडो गोरिल्ला का है, ठीक है, आप ले सकते हैं वो बुक, बहुत अच्छी है एडो गोरिल्ला की बुक, ठीक है, वो ले लीजिए, सैम्पल पेपर्स हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की जो ब्लू कलर की बुक है, उसका मैंने लिंक दिया हुआ था, मैं दिखा देती हूँ, मेरे पास रखी हुई है क्योंकि मैं भी उसी से करती हूँ, ठीक है। ये बुक है, इसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है, आप प्लीज़ परचेज कर लीजिए, ये है, ठीक है। और एक मैंने एसडी पब्लिकेशंस की भी ली हुई है, वो मैं दिखा दूंगी आपको, ठीक है, ये है मेरे पास, ये वाली भी है, ठीक है, दिस इज एयर, ठीक है। ये भी मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, यूपीपीसीएस 2023 एंड यूपीपीसीएस 2024 एंड यूपीपीसीएस आरओ 2023 की प्लेलिस्ट में दिया हुआ है कि कौन से सैंपल पेपर्स लेने हैं। ये दोनों बुक बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 3 महीने में आपको करना क्या है, बस यही चीज़ करनी है, प्लीज़ इधर उधर मत भागिए, एंड आई एम टेलिंग यू डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, ठीक है। और आप खुद आएंगे, ठीक है, बोलने के लिए कि मैम आपने जो बताया था अच्छे से सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, बाकी कुछ इधर उधर
त्रुटि हो जाया करे मुझसे, कुछ भी हो, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, ह्यूमन एरर समझ के, अपनी बड़ी बहन छोटी बहन समझ के मुझे माफ़ कर दिया करिए, ठीक है। आई होप सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हूँ। कुछ भी दिक्कत हो प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट ओवर हेयर इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। बट मेरा भी अपना पढ़ना होता है, मैं सारी मेल्स तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, मैं 2 से 3 बजे के बीच में ही रिप्लाई करती हूँ। तो आप कोशिश किया करिए मुझे मॉर्निंग के टाइम पर मेल भेज दीजिए, चाहे मेंटोरशिप ग्रुप में जुड़ने के लिए, चाहे कोई भी डाउट हो, तो ठीक है, तो आई विल सॉल्व इट ओवर देयर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।